पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस को इंदौर बीजेपी ने बड़े खास अंदाज में मनाया, जहां गांधी हॉल परिसर में पीएम मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। देखिए रिपोर्ट। गांधी हॉल में लगाई गई इस प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर और वरिष्ठ बीजेपी नेता हरिनारायण यादव, मधु वर्मा, गोपी कृष्ण नेमा और दीपक जैन तीनू मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी के द्वारा किए गए कार्य इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये देश के 130 करोड़ जनता के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। देश की जनता ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया था, पर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, अपने नेतृत्व क्षमता के कारण आज वो विश्व के नंबर वन नेता हैं। और दुनिया में कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो हम सब भारतीयों की छाती फूल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मोदी मोदी का नारा नहीं लगता, उसके पीछे भारत के 130 करोड़ जनता का सम्मान है। देश के इतिहास में उनके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। चाहे धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे राम मंदिर बनाने का विषय हो, चाहे तीन तलाक जैसा कि हमने कहा था उसको हटाने का विषय हो, चाहे किसानों का सम्मान, किसानों को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का सम्मान करने की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक अधिकार देने का विषय हो, एक से एक क्रांतिकारी कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनी शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग टुडेज मॉडर्न गुरुकुल हैज द टीम ऑफ बेस्ट फैकल्टीज टू एंश्योर दैट दे प्रिपेयर देम टू बिकम इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स अलोंग विद कंप्लीट प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management.